एक बार सब लोग मिलके पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर जा रही है पीछे, कम से कम 1,00,000 लोगों के यहां पे 1,00,000 लोग मौजूद हैं। और मैं अभी आ रहा था, कम से कम 20-25 हजार लोग सड़कों पे इस वक्त रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज लोग यहां आए हैं। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कौन कौन मुझे प्यार करते हैं, जरा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन प्यार करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन अब जो जो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबसे पहले एक बात आपसे मांगना चाहता हूं। जैसा अभी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा, सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकाल लो। अभी हम देख रहे हैं यहां पे कम से कम 40-50 वीडियो कैमरा, टीवी वालों के कैमरा मौजूद हैं। अब इस मैदान में 1,00,000 कैमरे चालू हो जाएंगे, 1,00,000 कैमरे। सब लोग अपना अपना फोन निकालो, फोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करो, अपनी अपनी फेसबुक चालू करो और फेसबुक लाइव कर दो। इस रामलीला मैदान से अब 1,00,000 टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे, 1,00,000 टीवी कैमरे लाइव चालू होंगे। मैं सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे इनविटेशन पे आज वो आए। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस मंच को मैं नमन करता हूं, यह बहुत पवित्र मंच है। आज से 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, आज इसी मंच से एक अहंकारी तानाशाह को इस देश से हटाने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, तानाशाही को खत्म करने के लिए फिर से इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है उसे खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, जनतंत्र को खत्म करने का जो आंदोलन शुरू हो रहा है, संविधान को बचाने का जो आंदोलन आज शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।